हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बेसिक मैथ के कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको आना ही चाहिए। अगर आपको ये चीजें नहीं आएंगी तो आप गणित में बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ऐसे टॉपिक सिलेक्ट किए हैं बेसिक मैथ के जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छा नॉलेज यहां से लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप फटाफट से नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर लिखा हुआ है निम्न का एलसीएम ज्ञात कीजिए, लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज और लिखी हुई है, उसको भी ध्यान से देखिए कि बेसिक मैथ, मतलब हम यहां पर बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं और बेसिक मैथ में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, निम्न का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम मैंने सबसे पहले क्यों लिया है, क्योंकि आगे हम जो कुछ सवाल करेंगे उनमें एलसीएम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एलसीएम तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम सीख लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे के और टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला जो सवाल है इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए, पहले सवाल को हम यहां पर लिखते हैं क्या है, 36, ठीक है, 36 और 40, ठीक। 36 और 40 को हमने इस प्रकार से लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन खींचना है ऐसे और दूसरी लाइन खींचना है ऐसे, क्लियर। चलिए अब हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग लगाना है। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर इसके बाद में 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। तो इस तरीके से ये अभाज्य संख्याओं का क्रम चलता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 से नहीं जाएगा फिर हम 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं जाएगा फिर हम 5 से लगाएंगे। तो इस तरह से लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं इनको सॉल्व। तो यहां पर 2 से चला जाएगा, तो सबसे पहले हम 2 से लगा देते हैं। तो 2 एकम 2 1 बचेगा, 2 8 16, ठीक है। यहां पर है 40, तो 2 दुनी 4 और 0 की 0, ठीक है। चलिए फिर यहां पर हम 2 से लगाते हैं, 2 नाम 18 और यहां पर 20 है, तो 2 एकम 2 और 0, ठीक है। अब भी देखिए 2 से 10 में चला जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, तो 9 को छोड़ देंगे हम। तो 2 से कर देते हैं, 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसे ही छोड़ दो और 2 पंजे 10, ठीक है। अब इसमें जो है 2 से नहीं जाएगा, अब कैसे ट्राई करेंगे, 3 से, तो 3 से 9 में चला जाएगा, चलिए 3 से दे देते हैं, 3 तिरका 9 और 5 को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। फिर से 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 5 को ऐसे ही छोड़ दो। अब 3 से भी नहीं जा रहा, तो अब क्या करेंगे, अब 5 से करेंगे। तो यहां पर हम 5 से निकालेंगे, तो यहां पर 1 को ऐसे ही लिख दो, 5 एकम 5, ठीक है। इतना करने के बाद में मतलब नीचे एक एक बच जाए तब तक हमें इसको सॉल्व करना है। अब नीचे एक एक आ गया मतलब अब हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना है और आगे होगा भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर अब ये जो संख्याएं आई हैं, ये वाली जो संख्याएं हैं, इनको हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है और वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम 3 बार लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो गुणा 3 गुणा 3, फिर इसके बाद में लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये हो गया हमारा 5, ठीक है। अब इनका गुणा करिए, तो 2 दुनी 4 4 दुनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। तो इतने का गुणा कितना आ गया, 24, ठीक है, गुणा 5 तिया 15, ठीक। अब 15 से कर लेते हैं, तो 15 चौके 60, 60 की आ जाएगी 0, हाँ से लग जाएगा 6 और 15 दुनी 30, 30 और 6 36, मतलब 360, तो 360 आ गया। तो इस सवाल का जो आंसर है, मतलब इसका जो LCM है वो कितना आ गया है, 360 निकल कर आ गया है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे, मतलब अगले सवाल को सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। एलसीएम जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी आप जो है आगे के और सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा जो दूसरा सवाल है अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 2 है, फिर 8 है और 32 है, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, एक लाइन ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 2 से करिए, 2 एकम 2 2 चौके 8 और यहां पर 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, ठीक है।
अब भी दो से ही करेंगे, एक का एक आ जाएगा, दो दुनी चार, फिर दो अट्ठे सोलह, फिर से दो से ही करेंगे, एक का एक, दो एकम दो और दो चौके आठ, ठीक है, फिर से दो से करेंगे, एक का एक और दो दुनी चार, फिर से दो से करेंगे, तो यहाँ पर एक का एक और दो एकम दो, ठीक है, नीचे एक एक आ गया मतलब सॉल्व हो गया, ठीक है। तो दो कितनी बार है, एक दो तीन चार पांच बार है, तो चलिए पांच बार लिखकर गुणा कर लेते हैं, तो दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो और गुणा दो, ठीक है, पांच बार लिख लिया। अब गुणा करिए, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का जो LCM आया है वो कितना है, 32 है। तो देखिए दोनों सवालों को सोल्व कर लिया है। अब तीसरा जो सवाल है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इसका आंसर ये वाला है, ठीक है, 5 और 25 का LCM आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इनका LCM ये आया है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास में है भिन्न का जोड़ घटाना, ठीक है। तो यहां पर भिन्न के घटाना के सवाल लिखे हुए हैं, पहले हम घटाना सीख लेते हैं फिर जोड़ सीख लेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो घटाना का पहला सवाल है इसको हम यहां पर लिखेंगे, एक बटा दो माइनस तीन बटा दो माइनस पांच बटा चार, ठीक है। अब मैंने आपको पहले एलसीएम क्यों सिखाया, क्योंकि हमें यहां पर जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम निकालना आएगा तभी तो आप इसको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए नीचे वाली जो संख्या है इनका एलसीएम निकालिए, दो दो और चार, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा दो दो और चार, इनका एलसीएम निकालते हैं, दो से भाग लगाएंगे, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दुनी चार, फिर दो से लगाएंगे, एक का एक और दो एकम दो, ठीक है। तो ये जो दो है, दो दो आए हैं, इनका गुणा कर लीजिए, दो दुनी कितना हो जाएगा, चार। तो हमारा यहाँ पर जो एलसीएम आया है वो कितना आ गया है, चार, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसकी अब हमें कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, चार आ गया। अब यहां पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट, तो यहां पर हमें क्या करना है, जैसे दो है ना, दो से भाग लगाइए चार में, ठीक है, दो से भाग लगाएंगे चार में, कितनी बार जाएगा, दो दुनी चार। अब जो दो आया है इसका गुणा ऊपर करना है, तो दो एकम दो, तो यहां पर आ जाएगा दो, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, अब आ जाइए यहां पर, अब दो से फिर चार में भाग लगाई, कितनी बार जाएगा, दो दुनी चार, जो दो आया है उसका गुणा ऊपर, दो तिया कितना हो जाएगा, छह, यहां पर माइनस है तो यहां पर छह लिख देंगे, इसके बाद में फिर से माइनस है। अब चार से चार में भाग लगाई, कितनी बार जाएगा, चार एकम चार, एक का गुणा पांच में, तो यहां पर आ जाएगा पांच, ठीक, क्लियर। अब क्या करेंगे भैया, अब यहां पर देखिए इन सभी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो दो जो है वो प्लस का है और ये दोनों माइनस की है, पांच और चार कितने हो जाएंगे, ग्यारह, तो माइनस के ग्यारह और बटे में आ जाएगा चार, क्लियर। चलिए अब यहां पर हमें क्या करना होगा, माइनस के ग्यारह में से दो को घटाएंगे तो माइनस का नौ बचेगा और बटे में चार, तो माइनस का नौ बटे चार जो है ये हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ठीक है। पहला हमारा क्लियर हो गया, अब दूसरे को कर लेते हैं, ठीक, तो इसको मैं साफ कर देता हूं और चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, ठीक है। दूसरा सवाल है कि आठ बटे सात माइनस दो बटे पांच माइनस तीन बटे सात, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए निकाल लेते हैं, सात पांच और सात, ठीक है। तो सबसे पहले पांच से भाग लगाएंगे, पांच एकम पांच, सात को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अब सात से लगाएंगे, सात एकम सात, एक का एक, ठीक है। तो यहां पर पांच और सात आए हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, पांच सत्तर पैंतीस, तो यहां पर हमारा एलसीएम कितना आ गया, पैंतीस, ठीक है। अब इसको यहां से हटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है, पैंतीस आ गया। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहां पर आइए, सात का भाग लगाइए पैंतीस में, कितनी बार जाएगा, सात पंजे पैंतीस, पांच बार, पांच का गुणा आठ में कर दो ऊपर, पांच अट्ठे चालीस, तो ये हो गया चालीस, फिर आ गया माइनस, फिर पांच से भाग लगाइए पैंतीस में, कितनी बार जाएगा, पांच सत्ते पैंतीस, सात का गुणा करिए दो में, सात दुनी चौदह, माइनस सात का भाग लगाइए पैंतीस में, सात पन्ने पैंतीस, पांच का गुणा तीन में, पांच दिया पंद्रह, ठीक है। अब इसके बाद में अगला क्या हो जाएगा, ये तो 40 है तो ये तो 40 ही रहेगा, ये दोनों माइनस है तो 15 दुनी 30 होते हैं, तो यहां पर कितना है 15 और 14, तो ये हो जाएंगे 29, तो माइनस का 29 आ जाएगा और बटे में कितना है 35, तो ये आएगा 35, ठीक है। 40 में से 29 को घटाइए तो 10 में से 9 जाएंगे तो एक बचेगा, तीन में से दो जाएंगे तो भी एक ही बचेगा, तो 11 बटे 35 जो है ये हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है इसको। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम
इन्हीं सवालों को भिन्न के जोड़ के रूप में हल करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने घटाना सीख लिया, अब सभी को हम जोड़ बना लेते हैं, ठीक है। अब ये जोड़ के सवाल बन गए, अब हमें इनको जोड़ के रूप में हल करना है, ठीक है। तो चलिए फिर से सॉल्व करते हैं। एक बटा दो प्लस तीन बटा दो प्लस पांच बटा चार। अब जोड़ में क्या करना होगा, तो यहां पर भी सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अभी हमने निकाला था, इनका क्या आया था, चार आया था, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था, दो से भाग लगाना है, चार में कितनी बार जाएगा, दो दुनी चार, दो का गुणा ऊपर एक में, तो दो एकम दो, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। फिर यहां पर दो से भाग लगाएंगे, चार में कितनी बार जाएगा, दो दुनी चार, दो का गुणा तीन में, तो दो तिया छह हो जाएगा, प्लस यहां पर चार को भाग लगाएंगे एक बार, एक का पांच में करेंगे, पांच एकम पांच, क्लियर। चलिए इनको जोड़ लीजिए, पांच और छह ग्यारह, ग्यारह और दो तेरह, तो यहां पर आ जाएगा हमारा तेरह बटे चार। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो देखिए जोड़ भी बहुत ही आसान होता है। चलिए एक और दूसरा जो जोड़ है इसको भी कर लेते हैं। तो यहां पर दिया गया है आठ बटे सात प्लस दो बटा पांच प्लस तीन बटा सात, ठीक है। इनका अभी हमने एलसीएम निकाला था, कितना आया था, पैंतीस आया था, तो यहां पर बटे में लिख देंगे पैंतीस, ठीक है। सात से भाग लगाइए, पैंतीस में कितनी बार जाएगा, सात पंजे पैंतीस, पांच का गुणा आठ में, आठ पंजे चालीस, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, पांच का भाग पैंतीस में कितनी बार जाएगा, पांच सत्य पैंतीस सात बार, सात का गुणा दो में, सात दुनी चौदह हो जाएगा, फिर प्लस यहां पर सात से भाग लगाइए, पैंतीस में कितनी बार जाएगा, सात पंजे पैंतीस, पांच का गुणा तीन में, पांच दिया पंद्रह, क्लियर। चलिए अब सभी को जोड़ लीजिए, 40, ठीक है, यहां पर 15 15 30, मतलब 29 और 40 को हमें जोड़ना है, 40 प्लस 29 और बटे में कितना है 35, ठीक है। चलिए तो यहां पर जोड़ते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 9, 4 और 2 हो जाएगा 6, 69 अपॉन 35, 69 बटे 35, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो आशा है आप जोड़ना भी और घटाना भी सीख गए हैं, एलसीएम भी सीख गए हैं। अब चलिए हमारा अगला टॉपिक जो है उसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। अब है भिन्न का गुणा और भाग। अब हम भिन्न का गुणा भी सीखेंगे और भाग भी सीखेंगे। तो पहले हम गुणा सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में भाग सीखेंगे। तो चलिए, हाँ, पहला हमारा सवाल है पांच बटा तीन मल्टीप्लाई दो बटा तीन मल्टीप्लाई तीन बटा चार, क्लियर है यहां तक। चलिए अब क्या करेंगे, जब भी हम किसी भी संख्या का यानी किसी भी भिन्न का गुणा करते हैं तो उसका एक रूल होता है कि हमें नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली किसी भी संख्या को काट देना है, अगर वो कट रही है तो, नहीं कट रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन कट रही है तो हमें काट देना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर तीन से तीन कट जाएगा, ठीक है, दो एकम दो और दो दुनी चार, ये भी कट गया। अब बचा क्या हमारे पास में, पांच बटा तीन गुणा, यहां पर तो कुछ भी नहीं बचा, एक बटा एक बचा और यहां पर एक बटा दो बचा, ठीक है। अब यहां का मल्टीप्लाई यहां पर, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है, जो भी आएगा वो हम लिख लेंगे। तो पांच एकम पांच एकम पांच, तो यहां पर आ जाएगा पांच, ठीक है, और यहां पर तीन दुनी हो जाएगा छह। तो पांच बटा छह जो है ये हमारा राइट आंसर आ चुका है, ठीक। चलिए अब हम करते हैं दूसरा वाला। तो दूसरा वाला सवाल आपके सामने है, इसको भी लिख लेते हैं, क्या है देखिए, आठ बटे सात गुणा तीन बटे चौदह गुणा इक्कीस बटे दो, ठीक। तो पहला रूल क्या है, जो कट रहा है काट दो। तो देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो यहां पर देखिए सात से ये कट जाएगा, सात दुनी चौदह और सात तिया इक्कीस, ठीक है। दो से आठ कट जाएगा, दो एकम दो, दो चौके आठ। अब जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं, यहां पर बचा हमारा चार बटे सात, यहां पर बचा हमारा तीन बटे दो और यहां पर बचा हमारा तीन बटे एक, ठीक है। अब क्या करना है, सीधा सीधा गुणा कर लो। अभी देखिए यहां पर जो है दो से चार फिर से कट सकता है, तो देखिए दो एकम दो, दो दुनी चार, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या बचा, दो बटे सात मल्टीप्लाई तीन बटा एक मल्टीप्लाई तीन बटा एक, ठीक है। अब गुणा कर लो, दो तिया छह, छह तिया अठारह, तो ऊपर आ गया हमारा अठारह और बटे में देखिए क्या है, सात है, तो ये आ जाएगा सात और अठारह बटे सात जो है ये हमारा आंसर निकल कर आ चुका है, ठीक है। चलिए अभी हमने यहां पर क्या सीखा, भिन्न का गुणा सीखा, अब हम इन्हीं सवालों में भिन्न का भाग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए इन्हीं सवालों को हम भिन्न का भाग बना लेते हैं। तो यहां पर गुणा के निशान को हटाकर यहां पर क्या करेंगे, हम भाग का निशान बना देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, भाग करना है, यहां पर भी भाग करना है, यहां पर भी भाग
और यहां पर भी भाग, ठीक है। अब ये सवाल हमारे भाग के सवाल बन गए। अब क्या करेंगे भाई, पहला सवाल लिख लो, तो यहां पर है 5/3, फिर भाग है तो ये भाग हो गया, फिर इसके बाद में 2/3, फिर भाग है 3/4, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आपको क्या करना है, देखिएगा, सबसे पहले सिंपली ये वाला जो सवाल है, सॉरी ये वाली जो संख्या है, इसको आपको लिख लेना है 5/3, ठीक है। यहां पर जो भाग है इसकी जगह पर आपको लगा देना है गुणा, ठीक है। जब हमने भाग के चिन्ह को उल्टा करके गुणा बना दिया तो इसके सामने की संख्या को भी उलटना पड़ेगा, मतलब 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो यह आ गया 3 और 2 आएगा नीचे, ठीक है। अब यहां पर इसको भी हम क्या कर देंगे, गुणा बना देंगे और इसके आगे जो संख्या उसको भी पलट देंगे, तो 4 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखो, अब ये पूरा भिन्न का गुणा बन गया है, तो अब हमें क्या करना है, जो संख्या कट रही है उसको काट दो। तो यहां पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो अब अगली स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहां पर क्या है 5/3 गुणा यहां पर तो 1/1 बचा, गुणा यहां पर 2/1 बचा, ठीक है। तो गुणा करिए, 5 दुनी कितना हो जाएगा 10 और बटे में आ जाएगा 3, ठीक है। तो 10/3 जो है ये हमारा पहले वाले सवाल का आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, दूसरा वाला, इसमें भी हमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, 8/7 भाग 3/14 भाग 21/2, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करेंगे, सबसे पहली वाली भिन्न को तो ऐसे ही लिख लेंगे 8/7, फिर यहां पर इसको बना देंगे हम गुणा और इसको पलट देंगे, तो 14 जो है वो चला जाएगा हमारा कहां पर, ऊपर, और 3 आ जाएगा नीचे। फिर इसको भी हम गुणा बना देंगे, ठीक है, ये भी पलट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 21 आ जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए अब देखो क्या हम इसको काट सकते हैं, देखिए ये कट जाएगा हमारा 7 दुनी 14, 7 3 21, ठीक है। क्या अब कोई संख्या कट सकती है क्या, तो अब तो मुझे लग नहीं रहा कोई भी संख्या कटेगी, तो चलिए अब कोई संख्या नहीं कटेगी। तो यहां पर बचा हमारा कितना, 8/7 गुणा यहां पर हमारा बचा 2/3 गुणा यहां पर बचा हमारा 2/3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, इसका मल्टीप्लाई यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर और इसका यहां पर कर दीजिए, 8 दुनी 16, 16 दुनी 32, तो ऊपर आ गया हमारा 32 और बटे में देखिए 7 3 21, 21 3 कितने होते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं 3 3 9, 9 7 63, तो यहां पर आ जाएंगे 63, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या सीख लिया है, एलसीएम सीख लिया है, भिन्न का जोड़ घटाना सीख लिया है, भिन्न का गुणा भाग सीख लिया है। चलिए अब हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसकी ओर चलते हैं, जो है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। अब हम प्रतिशत को निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत का थोड़ा सा बेसिक समझिए, प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है, कई लोग इसको भाग का चिन्ह समझ लेते हैं, जबकि भाग का चिन्ह इस प्रकार का होता है और जो आड़े में लगा होता है वो परसेंटेज का चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये वाला कंफ्यूजन आपको दूर कर देना है, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो चीजें समझ गए, चलिए बस इतना ही काफी है, अब हमें सवालों को सॉल्व करना है। तो पहला जो सवाल है 800 का 3% हमें निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना, सिंपली 800 लिखेंगे और जो का लिखा हुआ है वहां पर लगा दीजिए गुणा, ठीक है। 3 लिखा हुआ है तो ये 3 लिख दीजिए, फिर से गुणा लगा दीजिए, और परसेंटेज का मतलब मैंने अभी बताया था क्या है, 1/100, तो यहां पर 1/100 कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब क्या बचा देखिए, यहां पर बचा 8 गुणा यहां पर बचा 3, ठीक है। तो 8 तिया कर दीजिए 24, तो जो 24 है ये हमारा आंसर आ गया, मतलब इस सवाल का 800 का 3% क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। दूसरा देखते हैं, 500 का 5% का 2%, ठीक है। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, सबसे पहले 500 को लिख दीजिए, ठीक है। का की जगह पर आपको क्या करना है, गुणा लगा देना है, फिर से क्या है 5 है, ठीक है, फिर इसके बाद में परसेंट है तो 1/100 लगा दीजिए, फिर से का है, फिर से गुणा लगा दीजिए, फिर 2 है, 2 के बाद में फिर परसेंट है, तो 1/100 लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हमने सिंपली जो सवाल हमसे बोल रहा था वो हमने यहां पर कैलकुलेशन के रूप में लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 25 दुनी 50, ठीक है, 5 पंजे 25, 25 दुनी 50, ठीक है। तो यहां पर आ गया 50, ठीक है, गुणा 1/100 आ गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया,
पांच एकम पांच, पांच दुनी दस, ठीक है, तो क्या आ गया एक बटे दो आ गया, और यही जो है हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है, मतलब इस वाले सवाल का आंसर आ गया है हमारा एक बटे दो। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है दो बटे तीन का प्रतिशत रूप बताइए, दो बटे तीन का, दो बटे तीन का प्रतिशत रूप, मतलब हमें इसको क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, सीधा सिंपली इसमें 100 का गुणा कर दो, तो 100 दुनी कितना हो जाएगा 200, देखिए 100 का दो में करेंगे 200, ये हो गया 200 और बटे में आ गया तीन, ठीक है, तीन से भाग लगाइए, तीन एकम तीन, तीन छिंग 18, फिर दो बचेंगे यहाँ पर हो जाएगा 20, तीन छिंग 18, फिर पॉइंट लगाएंगे फिर से 20 हो जाएगा, तीन छिंग 18, तो 66.6 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 66.6। ठीक, चलिए अगला जो है इसमें हमें क्या करना है, सिंपली देखिए जब भी आपको किसी भी भिन्न को परसेंटेज के रूप में करना हो तो आप उसमें 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, अब यहां पर देखिए 60% का भिन्न रूप, अब 60% है इसको हमें भिन्न के रूप में करना है, तो यहां पर क्या है 60%, ठीक है, अब आप इसको देखिए 60 का मतलब क्या है, ये तो 60 ही है, परसेंटेज का मतलब क्या है 1/100, तो बस 1/100 कर दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, यहां पर क्या आ जाएगा 6/10 आ गया, ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और यहां पर 2 5 10, ठीक है, तो क्या आ गया 3/5 आ गया, और यही 3/5 जो है ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, मतलब इसका आंसर क्या आ गया है 3/5, ठीक है। अब एक सवाल है जिसमें गलती हो जाती है कि 60 का कितना परसेंट 5 होगा, 60 का कितना परसेंट 5 होगा, यहां पर लिखा हुआ है 60 का कितना परसेंट जो है वो 5 होगा, तो हम मान लेते हैं कि भैया एक्स परसेंट जो है वो 5 होगा, ठीक है, 60 का x परसेंट 5 होगा, ठीक है, यहां पर दिया गया है 60 का कितना परसेंट, तो हमने मान लिया x परसेंट, ठीक है, अब इसके बाद में देखिए ये हो गया हमारा 60 का की जगह पर गुणा लगा दो, x है तो x की जगह पर x ही रहने दो, परसेंटेज की जगह पर 1/100 लगा दो, ठीक है, और बराबर में 5, ठीक, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा 6x/10, ठीक है, 6 और x का गुणा कर दिया तो 6x हो गया 10, ठीक है, बराबर में हो गया 5, और 6x बराबर 10 पंजे कितना हो जाएगा 50, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर सरका लेते हैं, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 50/6, ठीक है, अब 6 से भाग लगाइए, तो यहां पर 6 से हम भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6, और यहां पर देखिए 8 6 48, ठीक है, फिर दो बचेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, अब दो में भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाकर हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, तो 20 हो जाएगा, तो 6 दुनी 6 3 18, ठीक है, तो ये 6 3 18 हो गया, ठीक, फिर इसके बाद में 2 बचेंगे 6 3 18, ठीक है, तो ये 8.33 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इनको सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है, दशमलव है, ठीक है, अब हमें दशमलव के सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम दशमलव के जोड़ और दशमलव के घटाना की ही बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको दशमलव का जोड़ सिखाता हूँ, देखिए ऊपर के जो दो सवाल हैं इसमें हम क्या सीखेंगे दशमलव का जोड़, और नीचे के जो दो सवाल हैं इसमें हम क्या सीखेंगे घटाना, ठीक है, तो चलिए पहले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, 6.002, इसमें हमें क्या जोड़ना है 23.2, ठीक है, क्या जोड़ना है 23.2, ठीक, अब जोड़ना कैसे है, तो सबसे पहले देखिए पहली संख्या को लिख लीजिए 6.002 लिख लिया, अब इस संख्या को लिखने से पहले आपको क्या करना है पॉइंट लगा देना है, ठीक है, अब पॉइंट के इस तरफ जो है उसको इस तरफ लिखो, इस तरफ जो है इसको इस तरफ लिखो, ठीक है, तो ये हो गया, अब इसको जोड़ देना है, तो देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 2 आ जाएगा, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, दशमलव का दशमलव आ जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं अब साफ, ठीक है, इसके बाद में दूसरा सवाल आता है हमारा 38.05 प्लस
0.02, ठीक है। तो इसको आप कर ही सकते हैं, देखिए 38.05 फिर दशमलव लगाएंगे, इस तरफ क्या है 0.2 है, इस तरफ क्या है 0 है, जोड़ दीजिए तो देखिए 5 और 2 हो जाएंगे 7, दशमलव 0 की 0 दशमलव, 8 के 8 का 8 ही और 3 का 3, तो 38.07 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दशमलव का जोड़ हम सीख चुके हैं, अब घटाना पे आते हैं। तो जोड़ आप सीख गए हैं तो घटाना भी आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो चलिए पहला हमारा घटाने का सवाल है 45.2 माइनस 38.5, ठीक है। तो सबसे पहले 45.2 को हम लिख लेंगे, क्लियर। फिर इसके बाद में क्या है 38.5, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38 और यहाँ पर क्या है 5, तो ये हमने कर दिया 5। अब घटा दीजिए तो देखिए 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ से उधार लेंगे हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितने बचेंगे 7, ठीक है। फिर पॉइंट का पॉइंट, अब यहाँ पर एक उधार लिया था, यहाँ पर कितने बचे 4, अब 4 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार लेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक उधार लिया तो यहाँ पर क्या बचा 3, 3 में से 3 जाएंगे क्या बचेगा कुछ नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.7, क्लियर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल है हमारे सामने 36.05 माइनस 32.03, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे 36.05, ठीक है, फिर हम लगा देंगे दशमलव, फिर इधर क्या है 0.3 है, इधर क्या है 3.2 है, ठीक है। चलिए घटा देते हैं तो अब देखिए 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे 0 की 0, 6 में से 2 जाएगा कितने बचेंगे 4 बचेंगे, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगी, 3 में से 3 जाएंगे कुछ भी नहीं बचेगा, तो 4.02 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दशमलव का जोड़ और घटाना किया जाता है, ठीक है। तो आज के इस बेसिक क्लास में हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, आशा है आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।